और इस बीच डीडी से चुनाव के अगले चरण के लिए भी बीजेपी का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की आज रैलियां। स्थानीय चुनाव से लेकर आम चुनाव तक बीजेपी पूरी शिद्दत से विरोधियों को पटखनी देने के लिए मैदान में उतरती है। जम्मू कश्मीर में जारी डीडी से चुनाव में पार्टी ने सीनियर नेताओं की फौज उतारी है। वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन आज डल लेक में शिकारा रैली करेंगे। ये रैली दोपहर 12 बजे होनी है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की आज 4 रैलियां हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की भी दोपहर 11 बजे रामबन में रैली है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव 8 चरण में हो रहे हैं। पहले चरण में 28 नवंबर को मतदान हुआ था। 8वें और अंतिम दौर की वोटिंग 19 दिसंबर को है। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि बॉर्डर पर चीन ने जिस तरह की हरकत की है उससे उसकी साख पर सवाल उठते हैं। फिक्की की वार्षिक बैठक के एक सीजन में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस बात को खुद चीन भी नहीं जानता कि उसे भारत से विवाद करके क्या मिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि पता नहीं चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर अतिक्रमण की कोशिश क्यों की। बॉर्डर पर तनाव के बीच चीन खुद कई सवालों में उलझा हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन इस बात को नहीं जानता था कि उसके नापाक मंसूबों के खिलाफ भारत इतनी सख्ती दिखाएगा और भारत की ये सख्ती चीन को इतनी भारी पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि देश राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती पर पूरी तरह से खरा उतरेगा। पाकिस्तान में इमरान सरकार की उल्टी गिनती जारी है और विपक्ष आज लाहौर में रैली के जरिए उसकी ताबूत में अंतिम कील ठोकने वाला है। पाकिस्तान के 11 विपक्षी दलों के गठबंधन PDM की 6th रैली आज लाहौर में होने वाली है, लेकिन इमरान सरकार इसे किसी भी तरह से रोकने पर आमादा है। पहले कोरोना का खौफ दिखा रही थी, अब आतंकी हमले का डर बता रही है। पाकिस्तान के आतंकरोधी प्राधिकरण ने आगाह किया है कि तहरीके तालिबान लाहौर की रैली के दौरान हमले कर सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हमले कहां किए जा सकते हैं। वहीं PPP प्रमुख बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस रैली के बाद कठपुतली प्रधानमंत्री इमरान खान अकेले रह जाएंगे और सरकार विरोधी अभियान का दूसरा दौर शुरू होते ही इमरान का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। इधर भारत के खिलाफ साजिश करने वाले दुश्मनों की अब खैर नहीं। पहले से ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाले राफेल में एक ऐसा सिस्टम लगने वाला है जो दुश्मनों को खोजकर उन्हें नेस्तनाबूद कर देगा। भारतीय वायुसेना का बाहुबली यानी राफेल लड़ाकू विमान दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एयरफोर्स ने जिस खास वेपन सिस्टम हैमर की मांग की है उसका फ्लाइट टेस्ट हो चुका है। हैमर एक ऐसा हथियार है जो बिना GPS के भी अपने टारगेट को ढूंढकर खत्म कर सकता है। हैमर किट को अलग अलग साइज में बमों के साथ फिट कर सकते हैं। ये मिसाइल 125 किलो, 250 किलो, 500 किलो और 1000 किलो के बम छोड़ सकती है। 1000 किलो वाले जिस वर्जन का फ्लाइट टेस्ट हुआ है वो बंकर तक को तबाह कर सकता है। इसकी ताकत ऐसी है कि ये मिसाइल कंक्रीट की तरह कई मीटर सतह को पार कर सकती है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।